अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। मैं भी अल्लाह का शुक्र से ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग हम होता है हमारा स्टार्ट और रहिएगा हमारे साथ साथ। आज जो कुछ भी हम कर का काम का जो भी लोगिंग हम करेंगे सबके साथ हम शेयर जरूर शेयर करें इंशाल्लाह जी जरूर। और आज संडे है ना, नहीं मंडे है, आज मंडे है। और मोहल्ले में जो बच्ची महफिल मिलाद का भी कहने आई थी और फिर उसकी शादी भी है, जुमेरात से उनकी शादी स्टार्ट है। तो अब कपड़े तो मेरे बिल्कुल ठीक है, तो मैंने कहा चले मैं जाके ना दुआ में शामिल हो। ये तो अच्छी बात है। हाँ सच, महफिल मिलाद नहीं है, वो कुरान खानी का कहने के लिए आई थी। तो फिर मैंने कहा कि मैं आ जाऊंगी। ठीक है, तो भाई शनाज भी आ चुकी हैं और आते ही जो है उन्होंने आते ही कपड़े धोने शुरू कर दिए। बाजी कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तबीयत ठीक है? चलो माशाल्लाह, घर बाल बच्चे सब ठीक है? चलो माशाल्लाह। शनाज ने सारे ये कपड़े धो दिए हैं और कपड़े धो रही हैं, वो थोड़े से जो ऑन मोहम्मद के कपड़े हैं वो धो रही हैं, बाकी जो जितना कुछ भी है वो सारा तो धुल चुका है तकरीबन। बाजी ने आते ही यहाँ पे कर दिए सारी सफाई और घर सारा साफ सुथरा कर दिया बाजी ने, और बर्तन वगैरह भी सारे धो दिए हैं यहाँ पर। और ये ऑन मोहम्मद, और ऑन मोहम्मद देखे ही हैं। हाँ जी, तैयारी है जाने की? हाँ जी। वापसी कब होगी तुम्हारी? आधा घंटे लगेगा बस में। अच्छा जी जी, चलो ठीक है, बहुत जल्दी आप लोग भी। ऑन मोहम्मद मेरे पास ही है, चले ऑन मोहम्मद को रख लेने क्योंकि तंग करेगा। हाँ ये तुम्हें तंग करेगा। बीबा भी तैयार हो गई है, चल रहा हूँ मैं बीबा अपने भी। माशाल्लाह चलो फिर चलते हैं। अच्छा प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए, माशाल्लाह प्यारी प्यारी बन गई आज। अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम करो। हैं नहीं है करना तो अस्सलाम वालेकुम बोलो। अंकल आंटी अस्सलाम वालेकुम, सलाम नहीं करना इसमें जी। फिर अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये खाने जो इंसान ना हमारे पास आ चुका है, दाल गोश्त। ये ना इस पे काम करते हैं जिसपे खड्डियां बनाई जाती हैं, दरिये और खेस, ये वो खड्डी लगी हुई है यहाँ पे ना। ये चले चलो लगे घर जाने, खाना हमने खा लिया जितना जो हमारे नसीब में था, जितना खाया गया दुआ में शामिल हुए। अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे बच्ची के, आमीन। मतलब चलते हैं घर, और कैशा भी मेरे साथ ही है, बाकी जिनसे मोहल्लेदार है सब मेरे साथ ही हैं, उनके साथ चली जाऊंगी मैं घर, क्योंकि एक ही गली का फासला है हमारे घर। हां जी चलो बना ले यार, रात हो गई है। मैंने चलो चार ही बना ले इनका। चलो बना ले। और आइए, क्या खा रहे हो? नीम को खा रहे हो जी। अच्छा आप क्या कर रही हैं? मैं लेट गई, मैंने कहा वहां से आई ना, तो चले मैंने कहा थोड़ी देर आराम कर लूं। अच्छा उसके बाद खाना पकाना क्या है? कुछ भी नहीं यार, दिल्ली कुछ नहीं कर रहा है इस खाने को, हकीकत बताओ ना। कीमा तुम्हारा रखा हुआ है जी? सही है। ये क्या कह रहे हो जी बाबा, आप ही छेमे खा रहे हो है बाबा जी? अच्छा जी, ओ माँ से प्लेट ली है। अच्छा अच्छा जी, अब मुझे तो समझ नहीं आती है क्या कह रहा है, तुम्हें पता लगा। ऊपर से प्लेट ली है। अच्छा बस ये इसकी जुबान ऐसी है कि समझ ही नहीं आती। हमें तो कुछ नहीं समझ आती, कम से कम थोड़ी बहुत आ जाती है मुझे ना, तो बाकी तो बस स्टैंड अटेंडर टेंडर लगा था, तो समझ ही नहीं आती। हाँ मैं ऐसे ही है। अच्छा ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही हैं। अच्छा बात सुन बाबा जी, आंटी छह दोगे एक पुम्मा दे दे। अच्छा क्या चे दो ना, क्या छे? हेलो बाबा जी, अडिशादार
कौन? इधर देख के आवाज दो, आंटी शायदा। अच्छा, बहुत शरारती है। जब भी कॉल आती है ना तो कहेंगे मामा आंटी शायदा, आंटी शायदा। मैंने कहा सारी आंटी शायदा नहीं है। हाँ, ये तो और क्या है? अच्छा, वो मोटी आंटी भी है ना इसकी? अच्छा, मोटी आंटी मोटी है। मेरी बहन को कहता है मोटी। अच्छा जी, अच्छा मामू भी है, मामू भी है, आंटी भी है, सारा पता सारा इसे। निकाल दिया तुमने ब्लैक टी? अच्छा, तो और मामा कह रहा है मुझे भी दो, लेकिन इसको बिल्कुल थोड़ी सी देना, ठीक है? हाँ, माशाल्लाह मेरी बेटी काफी बड़ी हो गई। और डाल दो थोड़ा सा, और तीन चार। अच्छा जी, बस 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 बस। अभी से सुला रहे हो? नहीं सुला नहीं रहा, दूध इसने पीना था तो मैंने चलो कंबल में लेट के दूध तो पी लेंगे। आज हल्की सी ठंड भी हो रही है ना, पैर ठंडे हो रहे हैं। मुझे भी ठंड लग रही है। हाँ। कि पता नहीं मेरी तबीयत ऐसी हुई है जो मुझे लग रही है। नहीं, आज है हल्की हल्की ठंड है। चल, उधर हम गए थे दुल्हन वालों के घर, ये उन्होंने दाल और गोश्त बनाया हुआ था, खाना खिलाया सबको, और ये शलजम गोश्त ये हमसाया की तरफ से आया है, और ये मेरा भी रात का कीमा बचा हुआ घी, बहुत ज्यादा इसमें, तो मैंने खुद से कहा इसमें से ज्यादा घी मुझे निकाल। ये क्या साग? साग आया मैं देहात से आ गया वह साग, माशाल्लाह। चले अल्लाह को, उसको बाजी को बुलाते हैं, तो बाजी को बुलाते हैं, उन्होंने कहते हैं बाजी ये मैं साफ करके दे देना। हाँ। क्योंकि सामने वाले बच्चा वो गया था देहात में, वहां से वो साग लेकर आ गया कि भाई मैंने साग खाना है तो मुझे बना दे, रहा तो वो अकेला ही, खाएंगे तो सारे खाएंगे तो सभी, बर्तन भी रखे हुए थोड़े से ही हैं। चले मैं कोशिश करती हूँ, नहीं मैं कोशिश करती हूँ धोने। अच्छा, क्या हुआ? मैं तो वैसे ही हंस रही हूँ। अच्छा? मैं अपना आप देखती हूँ और हंसती हूँ, फिर कहती हूँ ये मुझे क्या हो गया, ऐसी हो गई। फिर जब मैं वो कपड़े पहनती हूँ, जब देखती हूँ मुझे एक एक गेट खुले हो गए मैं कपड़े, तो फिर भी मैं कहते हैं इतनी कमजोर हो गई है ना, ऐसी हो गई ना, दांत ये सारे मेरे बाई दागे ऐसी हो गई ना। लेकिन अल्लाह ताला बीमारी ऐसी किसी को भी ना दे, तौबा तौबा हो चुकी है ये अल्लाह, और कसम से मजाक नहीं कर रही मैं, बहुत तकलीफ मैंने भुगत लिया, फिर भी हंस खेल कर काट रही हूँ दिन। अभी खड़ी हूँ इधर, कदम कासदा लिया हुआ बाजू का, ये पकड़ के खड़ी हूँ कि मैंने कहा हंस खेल कर चले एंड करते हैं अपने बहन भाइयों के साथ वीडियो का। और कुछ भी नहीं, आगे कुछ भी नहीं, बस आज की वीडियो का करते हैं एंड। और ये आ गया उठकर ऑन मोहम्मद, बहुत शरारती बच्चा, आज 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 पापा के पास आ जाओ। तो जी इसके साथ ही हमें दे इजाजत, आज की वीडियो का हमारा होता है एंड, और जो वीडियो फिर बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। जी जी, और वैसे भी हम आजकल इतना कोई खास व्लॉग बना नहीं रहे क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है व्लॉग बनाने का, सारा दिन मसरूफियात में ऐसा गुजरता है कि पता ही नहीं लगता। तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जब मैं पाकिस्तान इंडिया भी दोनों ममालिक से देखने वाले हैं। सबको मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़। मैंने लिपस्टिक छोड़ दी थी, बताती जाऊँ तबीयत खराब थी ज़्यादा, लिपस्टिक मैंने छोड़ दी थी लगानी, लेकिन वो उन्होंने लगानी शुरू कर दी थी। चले मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर आपने दोबारा, मैंने फिर आज दोबारा फिर लगा ली, क्योंकि जब तक मैं लिपस्टिक ना लगाऊं मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं भी सोकर ही नहीं उठी हूँ। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद, बाय 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 बाय।